हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? अच्छा, मारवाड़ शुरू कर लिया था। लो, थोड़ा थोड़ा पुराना सुना था। डूंगरपुर में कौन सा वंश था? गोहिल वंश की। संस्थापक कौन था गोहिलों का? सामंत सिंह। पहले कहां का राजा था वो? किससे हार के गया था? कीर्तिपाल सोनग्रह। और उसने वागड़ जाके किसको हराया? परमारों को हरा के राजधानी कहां बनाई? बड़ौदा। खुद कौन से युद्ध में काम आ गया था? त्राइन के दूसरे युद्ध में। उसका छोटा भाई कौन था और उसने वापस कहां पे कब्जा किया था? डूंगरपुर को राजधानी किसने बनाया? गैप सागर झील किसने बनवाई? खानवा युद्ध में काम कौन आया था? कौन आया था? उदय सिंह खानवा युद्ध के अंदर काम आ गया था। और उदय सिंह के बाद में उसका राज्य दो भागों में बंट गया। कौन कौन? पृथ्वीराज को तो मिल गया डूंगरपुर, और जगमाल को लिख गया मिल गया बांसवाड़ा मिल गया था। बाद में आस्करण जो था उसने किसको शरण दी थी? चंद्रसेन को। किसके खिलाफ? लेकिन बाद में वो 1576 में 77 में अकबर से संधि। लेकिन उसने अकबर का किसी भी युद्ध के अंदर साथ वाद। अंग्रेजों संधि कौन करता है? जसवंत सिंह सेकंड। लेकिन 1845 में अंग्रेजों ने उसे हटा दिया। तो वो कहां चला गया? वृंदावन चला गया था। और फिर हमने एक राजा पढ़ा था उनका विजय सिंह, जिसने एक झील बनवाई थी एडवर्ड सागर, एक बैंक बनवाई थी, और किसको प्रोत्साहन दिया था? आजादी के टाइम राजा कौन था? और बाद में उसे क्या बनाया गया? राजस्थान का कनिष्ठ उपराज प्रमुख, और बाद में राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष। कब बनाया गया था? 1977 में। बांसवाड़ा में कौन सा वंश था? कौन संस्थापक था? कौन से युद्ध में भाग लिया था? खानवा। अच्छा, महाराणा प्रताप का समकालीन कौन था? कौन था? प्रताप सिंह। और अकबर के साथ संधि कब कर लेते हैं? 1576। अंग्रेजों के साथ में संधि कौन करता है? उमेद सिंह। प्रतापगढ़ में कौन सा वंश था? कुंभा के छोटे भाई का नाम क्या था? कुंभा ने उसको कौन सी जागीर दी थी? सादड़ी। लेकिन वो बगावत करके कहां चला गया? तो मालवा वालों ने उसके बेटे सूरजमल को कहां का राजा बनाया? देवलिया का। बाघ सिंह कौन से युद्ध में लड़ा और चित्तौड़ के कौन से साके में? किसका नेतृत्व किया? और अंग्रेजों के साथ संधि कौन कर लेता? सामंत सिंह। कौन कर लेता? सामंत सिंह। और प्रतापपुर को राजधानी कौन बना था? उदय सिंह प्रताप। शाहपुरा में कौन सा वंश था? कौन सी रियासत से तोड़ के शाहपुरा बनाई गई थी? मेवाड़। मेवाड़ के राणा जी कौन थे उस टाइम? जगत सिंह फर्स्ट। किसको फूलिया परगना दिया हुआ था? सुजान सिंह। कौन से मुगल बादशाह ने अलग किया था इसको? सांझा ने अलग किया था। इसने अपनी राजधानी कहां पर बना ली थी? शाहपुरा में। राठौड़ों की राजधानी, राठौड़ों की रियासतें कौन कौन सी थी? मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़। अच्छा, जो राठौड़ थे वो कन्नौज में, कन्नौज के कौन से वंश से जोड़े जाते हैं? और दक्षिण भारत के। अच्छा, सबसे पहले आने वाला राठौड़ कौन था? राव सिहा। किसकी सहायता के लिए? कहां से आया था? उसने राजधानी कहां बनाई? खेड़। और उसकी छतरी कहां पर है? बिट्ठू। राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी है? इनका मंदिर कहां पे? ये मूर्ति कहां से लाए थे? ये मूर्ति कौन लाया था? राठौड़ों का कौन सा राजा लोक देवता है? मल्लीनाथ जी की राजधानी कौन सी थी? उन्होंने मालवा में किसको हराया था? निजामुद्दीन के। कितनी टुकड़ी आई थी उनके कारण बाड़मेर क्षेत्र? और गणगौर पे किसके गीत गाए जाते हैं? अच्छा, बाद में राठौड़ों को मंडोर कैसे मिला था? किसको मिला था? चुंडा किसने दहेज में दिया? इंदा प्रतिहारों ने। किसने दिया? रानी चांद कंवर ने। क्या बनवाई? चुंडा। किसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया? पुगल के भाटियों। उसने अपने बड़े बेटे को राजा नहीं बनाया। कौन था बड़ा बेटा? रणमल। छोटे बेटे को बनाया। बांदर रणमल राजा कैसे बना? जोधा ने जोधपुर की स्थापना कब की? और यहाँ पे क्या बनवाया? मेहरानगढ़ की नींव किसने लगाई? यहाँ पे कौन सी माता जी का मंदिर बनाया गया? रानी जसमा देवी ने क्या बनवाया? दिल्ली के कौन से सुल्तान को हराया? और जोधा का कौन सा बेटा बीकानेर चला गया? और कौन सा बेटा मेड़ता गया? और कौन कहता हूँ मारवाड़ का पहला प्रतापी राजा था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। मालदेव के पिताजी का नाम, मम्मी का नाम? पद्मा कुमारी सिरोही के कौन से राजा की बेटी थी? और मालदेव कैसे राजा बना था? पिता की हत्या करके राजा बना था। कितने परगने थे? कौन कौन से? जोधपुर और सोजत। बाद में उसने कितने युद्ध जीते? कितने परगने जीते? 58 परगने। कितने युद्ध? 52 परगने जीते। बेटा चलो आगे बढ़।